राम राम भाइयों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीप स्टडी पर। आज अपन हिंदी का एक नया टॉपिक विलोम शब्द शुरू कर रहे हैं। अपने हिंदी के टॉपिकों की एक सीरीज चला रखी है, जिसमें से अपन ने 6-7 टॉपिक तो कर लिए और आज ये नया टॉपिक विलोम शब्द लेके आया हूँ। तो आप इसको अच्छे से देखें, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड और RPSC अधिकतर क्वेश्चन रिपीट करती है। तो आप इन क्वेश्चन को देखें, एक दो बार देखोगे तो भी आपको फिर अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यही वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। आप अभी देखेंगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा किस विकल्प में विलोम युग्म अनुचित है। तो ऑप्शन इसमें बोर्ड ने इसको बोनस अंक दिया है, क्योंकि इसमें 1 और 4 दोनों ही सही है। जैसे व्यक्त का विलोम शब्द ए व्यक्त होता है, यथार्थ का आदर्श या कल्पित होता है, परार्थ का भी स्वार्थ होता है, गृहित का होता है त्यक्त, तामसिक का सात्विक, यौवन का वार्धिक। तो आप इनको अच्छे से देखें, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, आगे देखोगे तो खुद ही पता चल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2, असंगत विलोम शब्द युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन 1 है इप्सित, अभिषिप्त, आतप, अनातप, आगामी, विगत, अन्वय, अनन्वय। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, इप्सित इसका हो जाएगा अनिप्सित, सही उत्तर 1 हो जाएगा। बाकी जैसे अन्य, आतप, अनातप, आगामी, विगत, ये आप देख पा रहे हैं ये कैसे लिखे जाते हैं, शब्द शुद्धि में भी आपके काम आ जाएंगे कि ये वर्ड कैसे लिखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में विलोम शब्द है। तो ऑप्शन 1 में मूर्त, गौण, मौलिक, अनुदित, पूर्वात्र, अपराहन और मिश्र विमल। तो क्षेत्र हो जाएगा ऑप्शन 2, मौलिक अनुदित। मूर्त का होता है अमूर्त, गौण का होता है मुख्य, पूर्वान का हो जाता है अपराहन, पूर्वात्र नहीं होता है वो, अपराहन नहीं होता, अपराहन का होता है पुराण, मिश्रण का हो जाएगा रुक्ष। 4, विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म का चयन करो। तो अभ्यंतर, बाह्य, अत, इति, अर्पण, समर्पण, अस्त, उज्जित। क्षेत्र हो जाएगा अर्पण, समर्पण। अर्पण का ग्रहण ग्रहण होता है, समर्पण नहीं होता। बाकी अभ्यंतर का बाह्य, अत, इति, अस्त, उज्जित, ये अत इति खूब बार रिपीट हुआ है। 5, किस विकल्प में विलोम शब्द है। तीर, तिखा, मरियल, मरीची, दूत, मंद, कोट, कोप। तो क्षेत्र हो जाएगा ऑप्शन 3, दूतमंद। अगला 6 है, किस विकल्प में विलोम शब्द है। सापेक्ष, निरपेक्ष, निर्मल, निर्मूल, पर्याप्त, पर्याय, घटना, पर्ण। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, सापेक्ष, निरपेक्ष। निर्मल का मलिन होता है, घटना का पर्ण होता है, पर्याप्त का अपर्याप्त होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म है। ऑप्शन 1, सम्मुख, विमुख, संन्यास, संन्यासी, असमय, असीम, कुसुम, कुसुम। तो क्षेत्र हो जाएगा ऑप्शन 1, सम्मुख, विमुख। बाकी संन्यासी का गृहस्थ होता है, असीम का ससीम होता है, कुसुम का सुसिंग होता है,
सन्यासी ओड कैसे लिखा जाता है इसको भी याद रखना है, क्योंकि ये भी शब्द शुद्धि में खूब बार पूछा गया है, इस मुख और विमुख भी खूब बार पूछा गया है। आगे आप जी जो आगे बढ़ोगे तो देख पाओगे कि ये क्वेश्चन कितनी बार आया है। 8, किस विकल्प में विलोम शब्द है? पत्य गजे, पत्य पजे, सत्कृत निराधार, संतुष्ट, संतुष्ट विरस, विग्रह। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। बाकी पच्चे का होता है अपच्य, बीमार के लिए उपयुक्त भोजन, और इसका उल्टा हो जाएगा अपच्य, जो बीमार के लिए अनुपयुक्त हो। पज्ये का हो जाएगा गज्ये, संतुष्ट का हो जाएगा असंतुष्ट, वीर्य का हो जाएगा मिलन। क्वेश्चन नंबर 9 है, विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प अनुचित है? प्रसाद विषाद, तेजस्वी यशस्वी, उद्विग्न अनुद्विग्न, देवी असोरी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, तेजस्वी। इसका होता है निस्तेज, निस्तेज होता है। बाकी उद्विग्न अनुद्विग्न, देवी का असुरी होता है। अगला है 10, भ्रांत का विलोम शब्द है, तो भ्रांत का हो जाएगा निभ्रांत। इसको भी आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है, भ्रांत निभ्रांत। 11, किस विकल्प में विलोम शब्द नहीं है? विमन से, सोमन से, श्रांत, क्लांत, मिश्रण, रुक्ष, निश्चित, वीत। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, श्रांत, ये नहीं है। क्लांत का एक क्लांत हो जाएगा, श्रांत श्रांत का अश्रांत हो जाएगा। बाकी निश्चित वीत ये भी खूब बार आया है, मिश्रण रुक्ष ये भी रिपीट हुआ है पहले। अगला है 12, निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सही है? तो विरोध, अवरोध, शेष, अशेष, अनुदान, अवदान, उन्नति, उन्नति। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, उन्नति का हो जाएगा उन्नति। अवरोध का हो जाएगा अनुरोध, शेष का हो जाएगा अशेष, अनुदान का मतलब होता है सहायता, और अवदान का होता है पराक्रम। अगला 13, किस विकल्प में विलोम शब्द नहीं है? तो ऑप्शन 1 में ग्रहित, अनुग्रहित, संलिप्त, निर्लिप्त, सुबोध, दुर्बोध, आसक्त, अनासक्त। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, ग्रहित। ग्रहित का होता है ग्रहित, तेक्ते, तेक्त। और अनुग्रहित कैसे लिखा जाता है ये भी आप देखें, क्योंकि ये भी शब्द शुद्धि में खूब बार पूछा गया है, संलिप्त, निर्लिप्त। अगला 14, प्रवृत्ति शब्द का विलोम है, प्रवृत्ति का होता है निवृत्ति। 15, इनमें विलोम शब्द युग्म नहीं है, नहीं पूछा है, तो सौख्य परकीय, जड़ चेतन, हर्ष विषाद, वेतनिक से वेतनिक नहीं होता है, वो अवेतनिक होता है। 16, इनमें विलोम शब्द युग्म नहीं है, मुख वाचाल, हार, प्रयास, स्थावर जंगम, वेष्टि समष्टि। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, हार, वो हास का प्रयास होता है, हार का जीत हो जाएगा। और बाकी ये अन्य ऑप्शन है मूक वाचाल, स्थावर जंगम, वेष्टि समष्टि, ये भी पुराने एग्जाम में आई हुए क्वेश्चन है। 17, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर विलोम शब्द नहीं है? तो सापेक्ष, निरपेक्ष, लांगनीय, प्रशंसकीय, साम्य, विषम्य, रीत, अनित। तो सही हो जाएगा ऑप्शन 2, श्लाघनीय और प्रशंसनीय, ये पर्यायवाची शब्द है, इनका हो जाएगा विलोम हो जाएगा निंदनीय। बाकी जैसे साम्य, विमंशीय और रीत अनित, ये रीत और अनित को बार पूछा गया है। 18, किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म नहीं है, एक बार नहीं पूछा है, सघन विघन, सघन विरल, सम्मुख विमुख, युवकर संग्रह, परिग्रह। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, परिग्रह का हो जाएगा अपरिग्रह।
निम्न में से कौन सा बुध है? विज्ञ अविज्ञ शुक्र दुष्कर सामिस आमिस मूर्त विमूर्त श्रेत्रुजय शुक्र दुष्कर। बाकी विज्ञ का अनभिज्ञ नहीं होता है, विज्ञ का होता है परज्ञ या अज्ञ या अनभिज्ञ। सामिस और आमिस ये दोनों एक ही वर्ड पे आए बच्चे, ये दोनों इनका होता है निरामिस। सामिस मांस खाने वाला, निरामिस मांस नहीं खाने वाला, मांसाहारी। बाकी शुक्र दुष्कर सही है, मूड का ज्ञान नहीं होता है। 20 प्रत्यक्ष का हो जाएगा अप्रत्यक्ष या परोक्ष। उधर का हो जाएगा अधू या अधर या उ। 21 निम्न में से कौन सा लोन युग्म सही नहीं है? लघु परा बहु वियोग संयोग विज्ञ अज्ञ विधि निषेध। तो सही उत्तर हो जाएगा लघु प्रभु, लघु होता गुरु। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। विज्ञ और अज्ञ ये भी रिपीटेड है। 22 प्रधान का विलोम शब्द है, प्रधान का हो जाएगा गुण। विलोम शब्दों का कौन सा जोड़ा गलत है? तो ऑप्शन 2 मान सम्मान, ये प्राइवेसी हो गया, तो इनका हो जाएगा अपमान। 24 शुष्क का विलोम शब्द है, शुष्क का विलोम शब्द है आद्र, और सूखा का होता है गीला, ये पे भी आपको ध्यान रखना है। अगला है ज्योति का विलोम शब्द है, ज्योति का विलोम शब्द हो जाएगा तन तम। प्रकाश का अंधकार, पंगु का विलोम शब्द है तो पंगु सुडोल। 27 केंद्रीय का विलोम शब्द है, केंद्रीय हो वृद्धि, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 28 विपता शब्दों को सम्मिलित कीजिए, तो ऋजु का हो जाएगा वक्र, स्थावर का जंगम, मूक वाचाल, उग्र सौम्य। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। 29 छल का विलोम शब्द होगा, छल का हो जाएगा निश्चल। 30 सरस का विलोम शब्द सरस नीरस, निर्जल का हो जाएगा सज्जल, दुर्गम का सुगम। 31 पुरातन का विलोम शब्द है, पुरातन का हो जाएगा अद्यतन। नवीन का प्राचीन, समीचीन का असमीचीन। 32 श्रेणी का विलोम शब्द है, श्रेणी का हो जाएगा शाश्वत, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। आयात का निर्यात, अपेक्षा का उपेक्षा, इष्ट का अनिष्ट, ये इष्ट और अनिष्ट किस शब्दशुद्धि में पूछे जाते हैं। 34 इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? रीत विरीत स्मरण विस्मरण संकल्प विकल्प सम्मुख विमुख। तो सही उत्तर हो जाएगा रहित, रहित का हो जाएगा सहित। 35 कौन से विलोम युग्म नहीं है? तो नत अनत मुक्ति मुक्ति विमुक्ति शिष्ट विशिष्ट संगठन विघटन। तो सही उत्तर हो जाएगा संगठन विघटन। ऑप्शन 4 नत का होता है उन्नत, शिष्ट का अशिष्ट होता है। ये नत नत तो उन्नत ये खूब बार पूछा गया। उथला का विलोम शब्द है, उथला का हो जाएगा गहरा। 37 स्वर का विलोम में तो स्वर का हो जाएगा नरक। राग का विलोम शब्द हो जाएगा राग विराग। 8 आसक्ति अनाशक्ति अनुरक्ति विरक्ति। 39 सूक्ष्म शब्द का विलोम सूक्ष्म, सूक्ष्म का हो जाएगा स्थूल। क्षीण का पुष्ट हो जाएगा पतला का मोटा हो जाएगा। 40 स्वाधीन शब्द का विलोम शब्द है, तो ऑप्शन 3 पराधीन। 41 सन्मार्ग शब्द का विलोम है, सन्मार्ग का कुमार्ग। 42 गणना का विलोम में गणना का होता है प्रेम। हिंसा का अहिंसा होता है। 43 इनमें से किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है? तो ये ऑप्शन 1 में इप्सित अभिप्सित, ये वापस रिपीट हो गया। उर्वर अनुवर बीरु निर्भीक श्वेत श्याम। तो क्षेत्र हो जाएगा ऑप्शन 1 इप्सित का जो होता है अनिप्सित। 44 इनमें से किस विकल्प में विलोम
शब्द व्यूम है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन तीन रित अनिरित, ये भी रिपीट हुआ है। हास का प्रयास होता है, उत्पुल का मलान होता है, अवसाद का प्रसन्नता, हर्ष का विषाद, और हास का क्या होता है, हास का हो जाएगा रुदन, हास रुदन, अवसाद का प्रसन्नता। 45 सुकृति अविलंब शब्द है, सुकृति दुष्कृति। 46 इनमें से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है, सम्मुख अभिमुख उन्मिलन निर्मिलन शुक्ल कृष्ण षष्ठी पल्ली, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक सम्मुख का विलोम होता है विमुख या नेपथ्य कहते हैं, उन्मिलन का निर्मिलन ये भी रिपीट हुआ है। 47 कौन सा विलोम शब्द नहीं है, तो इष्ट का अभीष्ट, उर्व का अनुर्व, आजादी गुलामी, इप्सित अनिप्सित, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक इष्ट का अनिष्ट होता है ना कि अभीष्ट। 48 उन्मुख का विलोम है, तो उसका हो जाएगा स्विमुख। 49 ख्यात का हो जाएगा क्युख्यात, क्युख्यात का अर्थ होता है बदनाम। 50 प्राची का विलोम है, प्राची का प्रतिची, प्राची का मतलब होता है पूर्व दिशा, तो प्रतिची होता है पश्चिम दिशा। 51 51 का हो जाएगा धनाढ्य यानी गरीब। इनमें से किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, निर्मल विमल घात आघात मितव्य अल्पव्य सहयोगी प्रतियोगी, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 सहयोगी का प्रतियोगी, बाकी सारे गलत हैं। निर्मल का मलिन हो जाएगा, घात का प्रतिघात हो जाएगा, मितवी का अपवी हो जाएगा। 53 विशिष्ट का विलोम शब्द है, विशिष्ट का हो जाएगा सामान्य, बाकी शिष्ट का अशिष्ट होता है, असाधारण का साधन होता है, संश्लिष्ट का विश्लिष्ट होता है। 54 आकाश का विलोम बताइए, तो आकाश का विलोम हो जाएगा पाताल। 55 पृथ्वी का विलोम बताइए, पृथ्वी का हो जाएगा आकाश। 56 स्तुति का विलोम स्तुति निंदा, ये भी रिपीट क्वेश्चन है, स्तुति का विलोम होता है ये निंदा, एक ही बात है ये या निंदे। हास का रुदन होता है और लाभ का हानि, ये हास भी रिपीट हुआ है। 57 सघन का विरल, ये भी रिपीट हुआ है। अचल का सचल होता है, जटिल का सरल होता है। 58 किस विकल्प में विलोम युग्म है, तो आकुल व्याकुल कटुतिक हताश निराश श्रुति वृत्ति, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 श्रुति का होता है वृत्ति, आकुल का व्याकुल नहीं होता है, कटु का होता है मधुर, हताश का असमान। 59 कौन सा विलोम युग्म गलत है, तो इसमें ऑप्शन 3 गलत हो जाएगा, मितव्ययी का अपव्यय होता है, अल्पव्यय नहीं होता है। मुख का पाचाल सही है, संपन्न विपन्न सम्मुख विमुख, सम्मुख विमुख कम से कम इन्हीं क्वेश्चनों में 4-5 बार रिपीट हो गया। अगला है 60 कौन सा विलोम युग्म सही है, तो ऑप्शन एक स्मरण का विस्मरण हो जाएगा, खंडन का विखंडन नहीं होता है, खंडन का मंडन होता है, नत का उन्नत होता है और शिष्ट का अनिष्ट होता है, शिष्ट का अशिष्ट होता है और विशिष्ट का असामान्य सामान्य होता है। 61 कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, तो ऑप्शन 2 आपत्ति विपत्ति सही नहीं है, आपत्ति विपत्ति पर्यायवाची इनका विलोम होता है संपत्ति, बाकी व्यष्टि समष्टि रिपीटेड क्वेश्चन है। 62 इनमें कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, तो ऑप्शन 2 अमल का विमल, ये गलत है, बाकी सारे सही है, इनका विलोम होता है मलिन। 63 इनमें से पाश्चात्य का होता है पूर्वाच्य योग प्राच्य, दोनों एक तीन और दो और तीन दोनों ही सही है, बाकी प्रवृत्ति का पूर्ववृत्ति होता है। 64 चप्पल का विलोम होता है चप्पल गंभीर, स्थावर जंगम। 65
तेजस्वी का विलोम है तो इसका हो जाएगा निस्तेज, ये भी रिपीट हुआ है पहले। दाता, दाता का सोम होता है। 67 अभद्र का हो जाएगा भद्र। शिष्ट का अशिष्ट, तामसिक सात्विक, ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। शिष्ट का अशिष्ट 69 विलोम सब नहीं है। श्रांता शांत, श्रांत अश्रांत, सम्य असम्य, ग्रह अग्रह, सूची पवित्र, तो क्षेत्र हो जाएगा ऑप्शन 4। सूची का असूची होता है, पवित्र का अपवित्र होता है। अक्षित तरह जंगम का विलोम है, जंगम का विलोम शब्द स्थावर, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। वियोग का विलोम, वियोग इन वियोग का हो जाएगा संयोग। वीर्य का होता है मिलन, अवतल का उत्तल, कायर का वीर। अगला है 74, कौन सा विलोम शब्द सही है। अंतरंग बहिरंग राग अनुराग, विज्ञ सुविज्ञ प्राचीन पुरातन, तो क्षेत्र हो जाएगा अंतरंग बहिरंग, बाकी सारे गलत है। राग का विराग होता है, राग और अनुराग एक ही जैसे हैं, पर्याय है दोनों, इनका विलोम हो जाएगा विराग। विज्ञ का अज्ञ होता है, ये भी रिपीटिव है खूब बार। 75 अनिवार्य का ऐच्छिक, पर्याय का पर्याय। 76 नीरस का सरस, 77 तामसिक का सात्विक। 78 कौन सा विलोम सही नहीं है, तो ऑप्शन 4 आधुनिक नवीन, इनका विलोम शब्द होता है प्राचीन। बाकी ईस्ट का अनिष्ट, आसन निरसा उर्वरक उसर। 79 हलाल का सुधा। 80 कृत्रिम के लिए उचित विलोम शब्द कृत्रिम का हो जाता है नैसर्गिक, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला अहिल्या एक प्रतिवर्ता नारी थी, रेखा के शब्द का उचित विलोम, तो प्रतिवर्ता का होता है कुलटा। अगला है विधवा का हो जाएगा सदुआ। कोमल का कठोर, कट्टू का मृदु, कठिन का सरल, हर्ष का हो जाएगा शोक, दुख का सुख। किस विकल्प में विलोम शब्द अशुद्ध है, तो ऑप्शन 2 कपूर सपूत। 29 उन्नति पराधीन स्वाधीन। 85 कौन सा शब्द संपत्ति का विलोम है, संपत्ति विपत्ति। 86 निम्न में से अशुद्ध विपता शब्द समूह है, तो क्षेत्र हो जाएगा ऑप्शन 4। सामिस और आमिस का मतलब शाकाहारी होता है और इसका उल्टा होता है निरामिस। विषाद का होता है आह्लाद, यह भी खूब बार पूछा गया है। स्तुति निंदा, यह भी पूछा गया है। 88 कौन सा विलोम शब्दों में नहीं दर्शाता है, तो संयोग, संयोग का योग होता है, सुयोग नहीं होता है, सुयोग का कुयोग होता है। 89 कौन सा सही नहीं है, तो एक नेक जड़ चेतन आवास विकास, ये गलत है, नवरत्न पुरातन ये सही है। आवास का हो, आवास का हो जाएगा प्रवास, विकास का हास। 90 इनमें से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है, दीनहीन, ये गलत है, बाकी सब सही है। दीन का होता है समर्थ और हीन का होता है युक्त। 91 किस विकल्प में विलोम परस्पर विलोम शब्द है, तो ऑप्शन 2 ये लोग और प्रलोक, बाकी बाकी राग और, राग और अनुराग का विराग होता है, जकड़ा का शांति होता है। 92 इनमें से किस विकल्प में विलोम शब्द नहीं है, तो ऑप्शन 4 विज्ञ अभिज्ञ, विज्ञ का होता है अभिज्ञ, अभिज्ञ विज्ञ अभिज्ञ ना कि अभिज्ञ, अभिज्ञ का होता है अनभिज्ञ। 93 नाम और का विलोम बदनाम। 94 सामिस, सामिस का निरामिस, सामिस और आमिस पर्याय, पर्याय है। 95 अत का इति, ये भी खूब बार पूछा गया क्वेश्चन है। इच्छा का अनिच्छा
अपेक्षा उपेक्षा ये भी पूछा गया है, आकांक्षा अनाकांक्षा 97, कौन सा विलोम गलत सही नहीं है, तो उसका ऑप्शन 3 सम्मुख का अमुख निकल सम्मुख का होता है विमुख। बाकी प्राचीन अर्वचीन स्थावर जंगम घास रुदन ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। 78 अनुज का हो जाएगा अग्रज, कनिष्ठ का ज्येष्ठ या वरिष्ठ। 99 उचित विकल्प चुनने, संपन्न का हो जाएगा विपन्न। 100 अधम का हो जाएगा उत्तम। एक अगम होता है जिसका सुगम होता है, एक अधम होता है इसका उत्तम होता है। 101 फालतू का जंगली। 102 किस विकल्प में गलत विलोम है, तो ऑप्शन 1 में अत का अति नहीं होता है, इति होता है, ई पर इमली वाली इति, अति का न्यून होता है। उन्मूलन का रोपण ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, गलत विकल्प चुनना है, तो ऑप्शन 4 पुष्ट हष्ट, इसका पुष्ट हो जाएगा कृषि या क्षीण। बाकी सृष्टि पल्ली वर्दिहास अश्वदीर्घ सही है। 104 निम्न विलोम शब्द में सही विकल्प चुनिए, तो सही चुनना तो ऑप्शन 4 शोक हर्ष। बाकी शुष्क आद्र होता है, ज्ञानी का पंडित होता है। 105 निषिद्ध का विलोम है, निषिद्ध का विलोम हो जाएगा वीत, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, आदत का अनादत। 106 निम्न से मुक्त का विलोम, मुक्त होता है बद्ध। 107 विस्तीर्ण का तो हो जाएगा संकीर्ण। 108 किस विकल्प में विलोम शब्द है, तो खंडन का मंडन होता है, ये भी खूब बार रिपीट हुआ है। विज्ञ अज्ञ होता है, और अभिज्ञ का होता है अनभिज्ञ। 109 कौन सा सही नहीं है, त्यागी विरागी सामर्थ्य वेद के स्थावर जंगम विधि निषेध, तो क्षेत्र जगत त्यागी, त्यागी का हो जाएगा भोगी। 110 विलोम शब्द युम सही नहीं है, तो ऑप्शन 1 मिश्रण का कोमलनीय कठोर होता है। उन्मूलन का रोपण होता है, अभिज्ञ का होता है अनभिज्ञ। तो ये मिश्रण और कोटो ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, मिश्रण का होता है रुक्ष ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। 111 संधि का होता है विग्रह। अगला है 122 शुद्ध विवतार्थी युद्ध विकल्प है, तो ऑप्शन 4 से हो जाएगा अनिवार्य के अनिवार्य, एकाग्रचित का अनमन से अनुलोम का प्रतिलोम। बाकी ऑप्शन 1 में अपकर्ष का उत्कर्ष सही है, अभिज्ञ अभिज्ञ अनुराग विराग, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 1 में अभिज्ञ का विलोम होता है अनभिज्ञ ना कि विज्ञ। और सरल ऑप्शन 2 में सरल कठोर कठिन सम्मुख विमुख सम्य का एसन में होता है। ऑप्शन 3 विज्ञ विज्ञ का होता है अज्ञ। एकाग्रचित अनमेषिक अनुलोम प्रतिलोम। 113 किस विकल्प में गलत सही विलोम शब्द है, तो ऑप्शन 4 राग का द्वेष हो जाएगा, कट्टू का तिक्त विज्ञ अभिज्ञ उग्र विग्रह, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। 114 इनमें से कौन सा विलोम सही नहीं है, तो ऑप्शन 1 नित अनित प्राचीन अवाचीन लौकिक सांसारिक स्थाव जंगम, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 लौकिक, लौकिक का हो जाएगा अलौकिक। ऑप्शन 115 वेष्टि का हो जाएगा समष्टि, ये भी खूब बार पूछा है वेष्टि समष्टि, ये आपको जो रिपीटेड है ना इसको अच्छे से देखना है याद करना है, मुझे उम्मीद है ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा ये वीडियो। 116 कौन सा विलोम शब्द सही नहीं है, तो ऑप्शन 4 पूर्व अपूर्व, पूर्व का होता है पश्चिम। 117 निम्न से विलोम शब्द युगम है, तो वादी प्रतिवादी होता है, बाकी हिंसा का अहिंसा होता है, हास का
इसका हो जाएगा रुद्र मान का अपमान। एक सूत्र कौन सा सही विलोम शब्द लिखा हुआ है, तो ये इसमें हो जाएगा ऑप्शन दो अमृत मृत्य, बाकी सकल। सकल का होता है एकल को आपका अनुग्रह, विपक्ष का तृप्ति। 119 किस विकल्प के सामने उसका सही विलोम नहीं है, ऑप्शन दो भेद का विभेद हो जाएगा, बाकी सब सही है। स्थावर जंगम सलिष्ट विविक अविवेक कई तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दो। 120 विद्यार्थियों को प्रतिदिन स्कूल आना अनिवार्य, वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित शब्द का निम्न में से निकटतम विलोम होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा अनिवार्य का पूछा है वैकल्पिक। आवश्यक अनावश्यक अनुकूल प्रतिकूल अधिकार अंधिकार। 121 निम्न में से आर्द्र का मतलब हो जाएगा शुष्क। 122 कौन सा विलोम युग्म विपदार्थ है, ऑप्शन तीन रिज्जु वक्र, बाकी रथ का विरत होता है ना कि निरत होता है, ये भी ध्यान रखना है। आधुनिक का प्राचीन होता है, प्रवृत्ति का निप्रवृत्ति होता है। एक सौ तेईस सृजन सृजन का विलोम हो जाएगा संहार, बाकी अन्य निर्माण का विनाश, दुर्जन का सृजन। 124 किस विकल्प किस युग में विलोम नहीं है, तो ऑप्शन चार हर्ष हर्ष का विषद होता है, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, वियोग संयोग, ग्राह्य त्यज्य। तो आप देख पा रहे ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। 125 इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही है, तो ऑप्शन एक में निष्काम सकाम। निकट का दूर होता है, नाश का निर्माण होता है, पृथ्वी का अपव्यय होता है। अगला 126 इनमें से कौन सा इनमें से सही नहीं है, तो ऑप्शन तीन खंडन का मंडन होता है ना कि विखंडन, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। संश्लिष्ट का विश्लिष्ट होता है, संपत्ति का विपत्ति, सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। आप देख पा रहे हैं विभेद भी कर पा रहे होंगे। 127 कौन सा विलोम शब्द युग्म सही है, ऑप्शन एक संकल्प विकल्प, बाकी आमिष आमिष प्रयोग विस्मरण का विस्मरण या विस्मरण नहीं होता है, व्यतनिक का या व्यतनिक होता है। 128 कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है, तो ऑप्शन चार असीम का ससीम होता है, बाकी सम्मुख विमुख निष्काम सकाम सारे रिपीटेड हुए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। 129 इनमें से सही विलोम युग्म कौन सा है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन चार अनुराग विराग, बाकी मितव्यय का अपव्यय, आवास का परवास, जय प्रजय सारे एक नहीं बहुत बार रिपीट हुए हैं। 130 इनमें गलत युग्म कौन सा है, तो सही उत्तर हो जाएगा निर्मल, निर्मल का होता है मलिन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। क्रिय का विक्रिय, आगत का विगत, पक्ष का विपक्ष। 131 सत्कार का सत्कार का होता है तिरस्कार। अगला 132 गमन का विलोम हो जाएगा, ऑप्शन तीन आगमन, आगम का होता है निर्गम। 133 गलत विलोम शब्द विपरीत विलोम शब्द कौन सा है, तो सही उत्तर हो जाएगा जड़ चेतन। 134 आशा जीवन में प्रकाश का संचार करती है, रेखांकित में विलोम शब्द है, तो आशा का निराशा उद्देश्य का प्रश्न हो जाएगा, बाकी अगला है। 135 नवीन का विलोम शब्द प्राचीन, पुरातन का नूतन होता है। 136 सृष्टि का हो जाएगा सृष्टि प्रलय, सृजन का संहार। 137 राज्य का विलोम शब्द हो जाएगा सेनापति, राजा का विलोम शब्द नहीं है, सॉरी राजा का विलोम शब्द प्रजा राजा रंग सेनापति नहीं है। 138 प्राकृतिक हो जाएगा कृत्रिम। 139 चिरंतन का हो जाएगा नश्वर, चिरंतन का मतलब होता है जो सदैव रहता है, नश्वर तो नाशवान है। लौकिक का अलौकिक होता है, और नैसर्गिक हो जाएगा
कृत्रिम, ये भी याद रखने योग्य है। अगला सेविलों से बचूनी का एक वजह ग्रह अजय का जय ग्रह में का नागर हाशे का रुद्र 41 दुष्प्रवृत्ति का हो जाएगा सदप्रवृत्ति सदवृत्ति। कठोरता का निर्मलता, कर्पणता का दानशीलता, दृढ़ता का स्थिरता 142 बंधन का मोक्ष, त्याग का ग्रहण 143 नश्वर का शाश्वत, शाश्वत का होता है जो सदैव रहता है अशक्ति अशक्य असठ 144 दुर्बुद्धि का हो जाएगा सद्बुद्धि 145 कर्तज्ञ का विलोम कर्तज्ञ का हो जाएगा कर्तन बाकी देवगंज उदार अनुदार। अगला क्वेश्चन है 146 गलत पूछा है तो उत्कर्ष का विकर्ष नहीं होता है उत्कर्ष होता है अपकर्ष, उत्कर्ष आगे की ओर अपकर्ष पीछे की ओर, इष्ट का अनिष्ट सही है। अगला है उत्कर्ष विकर्ष छल्ली छल्ली का हो जाएगा निश्चल 147। अगला है 148 उत्तीर्ण का हो जाएगा अनुत्तीर्ण 149 सुंदर का कुरूप, निर्बल का सबल, बनावटी का प्राकृतिक 150 आगत का अनागत 151 इनमें कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है तो ऑप्शन 4 निर्जर का अजर, ये विलोम से बंद नहीं, निर्जर का अजर भी निर्जर समानार्थ से बदलिए, अनिष्ट का अभीष्ट 152 विलोम शब्द नहीं है तो ऑप्शन 1 में सौजन का दुर्जन ये नहीं है बाकी दुर्जन का सज्जन होता है। अगला है 153 बर्बर का सभी 154 किस क्रम में विलोम शब्द उचित नहीं है तो ऑप्शन 1 निंजे स्थिति प्रतिवर्ता उल्टा उन्नत उन्नत ऑप्शन 3 परितोष संतोष ये हो जाएगा परितोष का हो जाएगा संतोष इसका हो जाएगा परितोष का अपरितोष संतोष का असंतोष 155 स्वाधीन का हो जाएगा पराधीन परतंत्र का स्वतंत्र 156 स्वेद का श्याम 157 सही नहीं है तो ऑप्शन कदाचार का सदाचार होता है गौरव लघु गरिमा लगीमा अभिज्ञ अनभिज्ञ तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 158 अनुराग का हो जाएगा विराग, राग का द्वेष, वितराग का आसक्त, सरजता सरजता का हो जाएगा निरुजता। अगला 160 अनुलोम का प्रतिलोम 161 इप्सित का अनिप्सित ये भी खूब बार रिपीट हुआ है, इप्सित का मतलब होता है जिसकी इच्छा की गई हो 162 सत्कार का तिरस्कार। अगला 163 कौन सा सही नहीं है तो ऑप्शन 4 अचल का अविचल, अचल का होता है सचल, संपत्ति विपत्ति इष्ट अनिष्ट उर्वरक उसर 164 कौन सा विलोम शब्द सही है तो ऑप्शन 3 अंतरंग बहिरंग 165 सदाचारी का दुराचारी। अगला है गणतंत्र का हो जाएगा राजतंत्र 167 शांत का हो जाएगा अनंत 168 अर्वाचीन का हो जाएगा प्राचीन विस्तीर्ण का हो जाएगा संकीर्ण 170 सुबोध का हो जाएगा दुर्बोध 171 सार्थक का हो जाएगा निर्मूल। अगला है निर्मूल का समूल, अगला अनुकूल का हो जाएगा प्रतिकूल
मूक का वाचाल, प्रखर का मंद, मुखर का मौन। 174 नूतन का पुरातन, अनुज का अग्रज। पाश्चात्य का हो जाएगा पूर्वार्थी। प्रवर्ती का पूर्ववर्ती। 177 प्रतिघात का घात। 178 वीत का निबिपीत, निर्भी उग्र सौम्य। बाह्य का आंतरिक, सुयोग कुयोग। उत्थान, उत्थान का पतन। औन्नत का उन्नत, नत उन्नत। आदर का निरादर, उज्जय अस्त। अनुरक्त विरक्त। आप देख पा रहे हैं कि सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं और बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो मैं इनको अब जैसे क्वेश्चन आ रहा है उनका ऑप्शन ही पढ़ रहा हूँ। आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब है, रिपीटेड क्वेश्चन है, यदि आप देखेंगे तो आपको खुद भी खुद याद हो जाएंगे। अगला है गलत पूछा है तो इसमें प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष हो जाएगा। प्रवृत्ति का पूर्ववृत्ति। 185 संतोष का असंतोष। 186 विपरीत अर्थ का बोध करने और शब्द, तो विलोम शब्द। अशुद्ध पूछा है निंजे स्तुत्य, निषिद्ध विहित, निर्मल। निर्मल का अमल नहीं मलिन होता है। अर्थ का इति, अज्ञे, अज्ञे का होता है सर्वज्ञ। वक्र का रिजु, अतिवृष्टि अनावृष्टि। बंजर का उपजाऊ, शुष्क का होता है अद्र। मौखिक लिखित, निरपेक्ष सापेक्ष। गलत पूछा है तो सौजन का दुर्जन, दुर्जन का होता है सज्जन। स्फूर्ति का होता है आलस्य। कौन सा सही नहीं है तो सार्थक, सार्थक का निरर्थक। निरार का आहार। अगला किस क्रम में आमिष का विलोम, आमिष का होता है निरामिष। खूब बार आ गया, सही विलोम शब्द नहीं है तो अनुराग का दुराग, अनुराग का होता है विराग। इष्ट का अनिष्ट सही है। उत्तम अधम, अपेक्षा उपेक्षा का अपेक्षा। संकीर्ण का विस्तीर्ण। कौन सा क्रम सटीक नहीं है तो पंडित का विद्वान। पंडित का होता है मूर्ख। पुरोगामी पश्चिगामी। ऊर्ध्वगामी का अधोगामी। उचित विलोम नहीं है तो ऑप्शन 3 प्रीतोष का संतोष। यथार्थ का सत्य, बाकी सारे हैं। यथार्थ का आदर्श मिथ्या कल्पित है, बाकी सत्य ये नहीं है। उपत्यक्ता इसका हो जाएगा अधित्यक्ता। उपत्यक्ता पर्वत के ऊपर की भूमि और अधित्यक्ता, उपत्यक्ता होता है पर्वत के नीचे नीचे की भूमि और अधित्यक्ता होता है पहाड़ी ऊपर की भूमि। 206 आलोक का, आलोक का हो जाएगा तम। कौन सा युग्म सही नहीं है ऑप्शन 3 अभिज्ञ का अनभिज्ञ। अशुद्ध विलोम शब्द तो अभिमुख का हो जाएगा विमुख। 209 सुगम का दुर्गम। निरुजता, निरुजता हो जाएगा रुग्णता। उपयुक्त का अनुपयुक्त। मूक का वाचाल, आधुनिक प्राचीन समीचीन असमीचीन। भोला चालाक, तेजस्वी निस्तेज। सरल का कठिन, उपकार का उपकार। दयालु निर्दय। लास्ट है सही विलोम शब्द तो ऑप्शन 3 आशा, आशा का निराशा होता है, बाकी आशा का प्रत्याशा गलत है। ज्ञान
ज्ञान होता है, अमृत का विष होता है। तो मेरे कहने का मतलब है, मैंने ये लास्ट के क्वेश्चन जल्दी में इसलिए पढ़े क्योंकि वो सेम ही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो मैंने सोचा आप वो जो शुरू के क्वेश्चन को 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि सारे ही क्वेश्चन रिपीटेड है, और आप इनको अच्छे से देखें, वीडियो को देखें, इसकी PDF टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो को देखेंगे ना, जल्दी जल्दी में देखेंगे तो भी आपको बाहर से अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये क्वेश्चन आपके लिए जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा उसको कवर कर जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आप सभी का धन्यवाद।